चलो, तो यूनिट टू का नाम लिखो बच्चों, इसकी हेडिंग है डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस। तो ये वैसे चैप्टर बहुत ही छोटा है, मतलब यूनिट, लेकिन इसमें सीखी और पढ़ी गई बातें जो हैं वो जिंदगी भर चलती हैं, काम आती हैं, क्योंकि बहुत ही मुद्दे की बात इसमें सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल बात। चलो तो लिखो जी, फर्स्ट पॉइंट, इन जनरल आमतौर पे इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस द प्राइस। तो वैसे तो इस अकेली लाइन में सारा ब्रह्मांड समा जाए, तो पूरा मार्केट का जो सत्य है वो इस एक लाइन में ही है, लेकिन फिर भी हम इनको और बातें इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्या। लेकिन आम तौर पे जो प्राइस होता है, दाम होते हैं, वो डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से ही निकलते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं जी, प्राइस दूसरे कॉलम में लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और तीसरे कॉलम में लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। तो बाजार में दो फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं सारे ग्राहक यानी सारे कंज्यूमर्स। तो सारे कंज्यूमर्स मिलकर क्या कर रहे होते हैं, डिमांड। तो इनकी ताकत को कहते हैं डिमांड, कंज्यूमर्स की, खरीदने वालों की ताकत को कहते हैं डिमांड। और सारे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं मिलकर, सप्लाई। तो इनकी ताकत को कहते हैं सप्लाई। तो दो शक्तिशाली योद्धा जो हैं वो लड़ाई करते हैं, बेसिकली ग्राहक और दुकानदार, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। तो लिखो जी, पहले हम ग्राहकों की बात लिखते हैं। तो प्राइस में लिखो 10 रुपये। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए ये सोचना कि आप ग्राहक हो, मतलब कंज्यूमर हो, और आप डिमांड चैप्टर को दिमाग में लेके चलना। तो अगर मान लेते हैं 10 रुपये का दाम है, और आप कह रहे हो, मैंने आपसे फॉर एग्जांपल पूछा, तो आपने कहा कि सर हम 500 यूनिट्स खरीदेंगे, तो 10 रुपये के दाम पर आप सारे ग्राहक कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, 500 यूनिट्स। फिर आपसे पूछा गया कि चलो अगर 20 रुपये का दाम होगा तो आप कितने यूनिट्स खरीदोगे, तो आप कहोगे मान लेते हैं थोड़े कम, 400 यूनिट्स, क्योंकि अभी आप कंज्यूमर हो। तो आपका बिहेवियर कौन सा चल रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर चल रहा है, डिमांड वाला। फिर मैंने कहा अगर प्राइस 30 रुपये होगा तो आपने कहा फिर हम 300 यूनिट्स ही खरीदेंगे। फिर मैंने कहा अगर प्राइस 40 रुपये होगा तो आपने कहा कि फिर हम 200 यूनिट्स ही खरीदना चाहेंगे। और मैंने कहा अगर प्राइस 50 रुपये होगा तो आपने कहा कि हम 100 यूनिट्स ही खरीदना चाहेंगे। तो बेसिकली इसमें एक सिंपल कंज्यूमर बिहेवियर काम कर रहा है, डिमांड वाला, जो आपने पढ़ा भी था, है ना। तो मतलब अगर नीचे मैं लिख भी दूँ ऐसे ही, लॉ ऑफ डिमांड, तो कंज्यूमर्स की शक्तियाँ काम कर रही हैं, लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। फिर मैं प्रोड्यूसरों के पास गया। अब आप अपने आप को प्रोड्यूसर समझ लो थोड़ी देर के लिए, दुकानदार। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि भैया अगर दाम सिर्फ 10 रुपये होंगे तो आप कितने बेचना चाहते हो, तो उसने कहा तो हम 100 बेचेंगे बस। फिर मैंने कहा अच्छा चलो दाम 20 रुपये हो जाएगा तो दुकानदार कह रहा है फिर मैं 200 बेच दूंगा। दाम अगर 30 रुपये हो जाएगा तो दुकानदार कह रहा है तो मैं 300 बेच दूंगा। 40 रुपये हो जाएगा तो 400 बेच देंगे। 50 रुपये हो जाएगा तो 500 बेच देंगे। तो आपका इसका मतलब एक प्रोड्यूसर बिहेवियर काम कर रहा है, और आप इसको लॉ ऑफ सप्लाई भी कह सकते हो। तो प्रोड्यूसर्स की अपनी शक्तियाँ चल रही हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे दोनों शक्तियाँ टकराती हैं,
दोनों शक्तियां मतलब कौन सा क्वांटिटी 300 300। तो 300 यूनिट्स जब खरीदने की बात हो और 300 यूनिट्स जब बेचने की बात हो तो दोनों शक्तियां एक ही सहमति पर एग्री कर रही हैं, बाकी किसी पॉइंट पर वो एग्री नहीं कर रहे। ग्राहक 400 यूनिट्स खरीदना चाहता है 20 रुपए पर, लेकिन सप्लायर वही 400 बेचना चाहता है 40 रुपए पर। मतलब अगर मैं ब्लू रंग से आपको दिखाऊं तो आप ध्यान से एनालिसिस करना, ग्राहक 400 यूनिट्स कितने के खरीदना चाहता है? 20 रुपए के, जबकि दुकानदार 400 यूनिट्स कितने के बेचना चाहता है? 40 के। तो इनका एग्रीमेंट नहीं है ना अभी, तो दोनों खड़े रहेंगे, सौदा नहीं होगा। इसी तरह ग्राहक 500 यूनिट्स कितने के खरीदना चाहता है? 10 रुपए के, लेकिन दुकानदार 500 यूनिट्स कितने के बेचना चाहता है? 50 रुपए के। तो दोनों खड़े रहेंगे, इनका सौदा नहीं होगा। लेकिन जब 300 यूनिट्स खरीदने और बेचने की बात आई तो वो भी 30 रुपए में खरीदना चाहता है और वो भी 30 रुपए में बेचना चाहता है, तो मार्केट कहेगा ठीक है जी, मुबारक हो, सौदा पक्का हो गया। तो ये 30 रुपए को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो दुनिया का आप कोई भी बाजार ले लेना, उसमें दाम ऐसे ही निकलते हैं आमतौर पर, अगर सरकार का रोल नहीं है तो। सरकार बीच में आएगी तो खैर अलग की बात है, लेकिन किसी भी फ्री मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के या सर्विस के दाम इसी हिसाब से निकाले जाते हैं। इसीलिए वो अंग्रेजी यूनिवर्सल बन गई कि डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन जहाँ होगा तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा, है ना। तो स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर इस तरह से, चाहे शेयर्स के दाम हो या किसी भी चीज़ के दाम हो, वो ऐसे निकाले जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप शुरुआती दो लेवल्स को गौर से देखो तो उन शुरुआती दो लेवल्स को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना चाहता है, सप्लायर कम बेचना चाहता है, राइट। कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना चाहता है लेकिन सप्लायर कम बेचना चाहता है। तो इस शुरुआती दो दामों के एरिया को या कह सकते हो जगह को या सिचुएशन को एक्सेस डिमांड कह देते हैं। हालांकि एक्सेस डिमांड आपको पढ़ाना नहीं है हमें, मतलब कोर्स के अनुसार, लेकिन बस पता होना चाहिए कि ये है। और इसी प्रकार जो निचला स्तर है 40 रुपये और 50 रुपये वाला, वहाँ ग्राहक कम खरीदना चाहते हैं, दुकानदार ज़्यादा बेचना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन को एक्सेस सप्लाई कह देते हैं। तो थोड़ी थोड़े समय के लिए कभी कभी बाजार में एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई हो अवश्य जाते हैं थोड़े थोड़े समय के लिए, लेकिन अंततः पहुंचता मामला मार्केट का कहां पर ही है? इक्विलिब्रियम पर ही। तो बस ये बेसिकली होता है इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, तो मेन इक्विलिब्रियम। तो समझ आ गया इक्विलिब्रियम। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि मेन चैप्टर के अंदर डायग्राम्स हैं जो हमें थोड़ा समझने होते हैं या बनाने होते हैं। तो आप एक चित्र बना लो अच्छा सा। एक्स एक्सिस पर आप लिख लो क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर आप लिख लो प्राइस। फिर एक बना लो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, लाल रंग का बना लेते हैं डीडी। और एक बना लो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व एसएस। तो आपने दोनों चैप्टर पढ़ रखे हैं डिमांड और सप्लाई, तो इसीलिए इस चैप्टर में कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो अब जहां पर ये दोनों टकराए उस पॉइंट को बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, हाँ। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो भी प्राइस निकला उसे बोल देते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो भी क्वांटिटी निकली उसे बोल देते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर अगर कोई भी प्राइस होगा तो ये पीले रंग का एरिया क्या डिनोट कर रहा होगा? एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम। और इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर नीचे का कोई भी प्राइस होगा
यानी ये वाला एरिया नीले रंग का, ये क्या डिनोट कर रहा होगा? एक्सेस डिमांड। तो ये बेसिकली सिंपल इकोनॉमिक्स है। तो आप पहले इतना बना लो, चलो ठीक है। बाकी आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लो हमारे, क्योंकि टेबल के हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है 30 रुपये और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है 300 यूनिट्स। तो मतलब ये एक बेसिक मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है प्राइस निकालने का। फिर इसके नीचे लिखना आप सेकंड एक एरो डाल के, बट इन सम केसेस कभी कभी कॉमा गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड डिटरमाइंस द प्राइस। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे सरकार बीच में दखल अंदाजी कर देती है और फिर सरकार कहती है कि दाम हम बताएंगे, तो फिर कहानी मतलब ऊपर वाली नहीं चलेगी, वो एक अलग एक्सेप्शन हो गए। तो बट इन सम केसेस गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड डिटरमाइंस द प्राइस। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, जैसे मान लो केरोसिन। मान लो सरकार को लगता है भाई केरोसिन ऑयल जो है ये एक नेसेसिटी गुड है, गरीब को चाहिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाजार पे छोड़ दिया इसका प्राइस और ये निकल गया 5,000 रुपये। तो कुछ चीज़ों का नियंत्रण सरकार अपने हाथ में रखती है जो आमतौर पर सरकार को लगते हैं कि गरीबों के लिए गुड्स बन सकते हैं, है ना। या मान लो फर्टिलाइजर्स, किसान को फर्टिलाइजर्स चाहिए तो उनके दाम सरकार कहती है ये हम तय कर देंगे एटसेट्रा। तो वो कोई भी गुड्स हो सकते हैं वैसे तो कुछ चीज़ों के दाम सरकार सेट करती है। तो पहले क्लियर हो गया, चल फिर इसके बाद है जी अगली हेडिंग। तो यहाँ से हमारा बेसिकली मेन चैप्टर शुरू हो रहा है। अगली हेडिंग का नाम है चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई। चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन डिमांड आपको पढ़ाया था डिमांड चैप्टर में, तो बताओ चेंज इन डिमांड में कितने केस होते थे? दो। क्या क्या? हाँ, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। फिर चेंज इन सप्लाई आपको पढ़ाया था सप्लाई चैप्टर में, उसमें कितने केस होते थे? दो। इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन डिमांड में कौन सा शिफ्ट होता था? राइट वर्ड शिफ्ट, वेरी गुड। और डिक्रीज इन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो इस टॉपिक में मतलब हम चार अलग अलग चित्र बनाएंगे आपके साथ। एक बार इंक्रीज इन डिमांड करेंगे, फिर एक बार डिक्रीज इन डिमांड करेंगे, फिर एक बार इंक्रीज इन सप्लाई करेंगे, एक बार डिक्रीज इन सप्लाई करेंगे। तो मैं बनाऊंगा एक चित्र और आप बनाएंगे चार चित्र, भाई एक मेरे से चेपके और तीन स्वयं। तो आपको टोटल चार बनाने, मुझे खाली एक बनाना है। चलो तो नंबर डाल लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, है ना। तो चार इसी सीक्वेंस में बना लेंगे ताकि पता रहे कि भाई हमने कौन से चार बनाने। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड हो जाती है। अच्छा, अब इसमें बहुत ही क्रिटिकल बात ये है कि मैं ये नीचे लिख देता हूँ चलो बक्से में, कि पहले आपको डिमांड और सप्लाई चैप्टर अच्छे से आने चाहिए पहले इसके लिए,
तो सर वो तो हमें नहीं आते। तो बताओ अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ गया तो क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड। तो बताओ अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज होगी। तो मतलब आपको जितने फैक्टर सिखाए थे डिमांड बढ़ने के या डिमांड घटने के वो सारे याद होने चाहिए, और जितने फैक्टर सिखाए थे सप्लाई बढ़ने के या सप्लाई घटने के वो सारे याद होने चाहिए, तब आप इसकी एप्लीकेशन कर पाओगे। पता चला क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़ गए और कहेगा इफेक्ट बताओ, तो आपको यही नहीं अगर पता कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़ने से क्या होता है तो फिर आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूं बक्से में कि वी शुड नो द रीजंस, या वी शुड नहीं, वी ऑलरेडी नो द रीजन फॉर अबव, हम ऑलरेडी जानते हैं इनके रीजन। चलो तो अब पहला चित्र बनाते हैं, फिर एनालिसिस भी उसका मैं बताऊंगा कैसे लिख लेना। चलो तो पहले नंबर वन चित्र सीखते हैं। तो आपको हमेशा जब भी चेंज का क्वेश्चन आएगा, मतलब एनालिसिस करवाएगा, तो सबसे पहले आप एक इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो ड्रॉ सबसे पहले कर लो। डाउनवर्ड डीडी बना लो, अपवर्ड एसएस बना लो, दोनों का इक्विलिब्रियम बना लो, और इक्विलिब्रियम से ईपी और ईक्यू निकाल के ऐसे लिख लो। सबसे पहले ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम बन गया। तो अब जैसे फर्स्ट हमारे पॉइंट में वो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड है ना, और आपने लिख रखा है राइट वर्ड शिफ्ट। तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब इस डायग्राम पर आप अपना सिंपल डिमांड कर्व पे फोकस करोगे और डिमांड कर्व को राइट में शिफ्ट कर दोगे। तो मतलब जैसे अगर मुझे डिमांड कर्व को राइट में शिफ्ट करना हो तो एक लाल रंग से डॉटेड सी लाइन बना ली राइट की तरफ, है ना, नाम दे दिया D1। बस तो आपको ये करना है कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। तो अब तो मेरी निगाहें जो हैं पुराने डिमांड कर्व को देखेंगी ही नहीं, तो मेरे पास तो शक्ति आई कि मैं पुराना डिमांड कर्व हटा दूं ताकि वो नजर ही ना आए। तो अब तो आपको भी अपने डायग्राम को बस देखना ऐसे है मन से, आपको नहीं कि कहीं आप भी रब कर दो अपना। अब आप ऐसे देखोगे कि ये है नया इक्विलिब्रियम, मतलब अब आपकी निगाहें जो है नया इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट कहेगी, ये वाला हरे रंग का, ई डैश नाम दे दो चाहे। तो ये बेसिकली चेंज हो गया इक्विलिब्रियम, कई बार क्या होता है चेंज हो जाता है, समझ आ गया आपको। तो जब भी इक्विलिब्रियम चेंज होगा तो फिर उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, प्राइस एंड क्वांटिटी पर भी पड़ेगा। तो देखो अब हरे रंग के इक्विलिब्रियम से प्राइस और क्वांटिटी भी अलग अलग निकलेंगी हरे रंग वाली। तो बस क्वेश्चन आपसे ये पूछता है एमसीक्यू में कि बताओ प्राइस और क्वांटिटी में क्या हुआ, तो आपका क्या आंसर होगा, तो प्राइस भी इंक्रीज हो गया देखो और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। तो बस क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, लेकिन ये बताने के लिए सही आपको थोड़ा चित्र का ज्ञान होना जरूरी होगा। तो क्लियर हो गया पॉइंट सब बच्चों को, बिल्कुल ओके। चलो तो अब 2, 3 और 4 आपको बनाने, तो अपने हाँ और कभी अभी वो कह रहा अभी, तो अभी तो बनाने और कभी बनाने, तो अभी बनाने हैं, फिर अभी बादल बनाना है इनका और फिर मुझे बादल बताने हैं। तो आपको 6 मिनट का मैक्सिमम टाइम दे देते हैं, तो 2, 3 और 4 अपने आप बनाएं और अपने आप उनके बादल लिखकर फिर बताइए। चलो तो अब सेकंड का बताओ, सेकंड का आपका क्या बादल निकला इफेक्ट, मतलब ईपी भी कम और ईक्यू भी कम, ठीक है। तो इसका मतलब आपका और मेरा दोनों का सही है, मतलब आपका सही है, ठीक है। तो ईपी भी कम और ईक्यू भी कम, चलो ठीक है। मैंने सोचा भाई बच्चे कर रहे हैं मेहनत तो हम क्यों पीछे रहें, तो मज़ा आ रहा था, ये डायग्राम इतने अच्छे लगते हैं बनाने का, रोका नहीं गया अपने आप को, मैंने कहा चलो मैं भी बना ही लेता हूँ। फिर नंबर 3 का बादल क्या है,
ईपी कम हो गया और ईक्यू ज़्यादा हो गया। ओके, तो नंबर थ्री में मेरा भी यही है, ईपी कम हो गया और ईक्यू जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसमें जिसका गलत है वो देख ले चित्र। नंबर थ्री में आपका सप्लाई कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो आपको ये लाल कलर वाले पर फोकस करना है। तो नंबर थ्री ओके, क्लियर है भाई सबको? ठीक है, जिसका गलत है बट उसको अब समझ आ गया देखकर भी। तो आपको बस जो भी शिफ्ट हो, शिफ्ट होने के बाद अपनी आंखों को ये बोल दो कि पुराना वाला भूल जाओ। तो चाहे मतलब इसमें अगर पुराना सप्लाई कर्व मैं हटा दूं, तो आपको बस ये देखना है कि नया वाला कर्व कहाँ टच कर रहा है। उसके बाद नंबर फोर का क्या, ईपी बढ़ गया और ईक्यू कम हो गया। ठीक है, मेरा भी यही निकला। तो ईपी बढ़ गया, राइज हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, पहले ये चारों सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गए। चलो, तो ये तो थे आसान वाले। अब अगले लिखते हैं हेडिंग। तो अगली हेडिंग का नाम है व्हेन साइमल्टेनियसली बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस। When simultaneously both demand and supply changes, तो simultaneously का मतलब है एक साथ। अच्छा, तो इसमें टोटल बनेंगे 12 डायग्राम्स और मैं बनाऊंगा 3 और आपको बनाने पड़ेंगे 12, 3 चेप के और 9 स्वयं। और इस बार तो मैं बनाऊंगा भी नहीं, तो आप ही के देख लेंगे इस बार। तो चलो, तो सबसे पहले इसमें नंबर वन हेडिंग डालनी है। हर हेडिंग में 3 डायग्राम बनते हैं बेसिकली। तो नंबर वन हेडिंग है इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो मतलब ऐसा मैं सिंबॉलिकली लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको दिखता रहे। तो मतलब ये है कि डिमांड भी बढ़ गई और सप्लाई भी बढ़ गई। तो ये बेसिकली हमारा मतलब केस है, हेडिंग है इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब दोनों में आपको कौन सा शिफ्ट करना है, दोनों में राइट वर्ड है ना, तो ये भी लिख देता हूँ। चलो, तो डिमांड में भी और सप्लाई में भी दोनों में आपको राइटवर्ड शिफ्ट करना है। ठीक है ना? तो जब भी कोई ये साइमल्टेनियस चेंज वाला केस आता है, जैसे हम एक केस कर रहे हैं अभी साइमल्टेनियस चेंज वाला, तो इस साइमल्टेनियस चेंज वाले केस के अपने अंदर 3 बातें हो सकती हैं। यानी कि इसके अंदर आप ये कह सकते हो 3 सब केसेस या 3 कंडीशनें बन सकती हैं। तब आप इसको मतलब ऐसी करली ब्रैकेट में कवर करके 3 बातें मतलब इसमें बना लो। तो भाई, अगर आपको एक गाल पे पापा ने और एक गाल पे मम्मी ने दोनों ने थप्पड़ मारा, तो इसमें 3 प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं। तो पहली प्रोबेबिलिटी लिखो कि पापा का थप्पड़ जोरदार था मम्मी के थप्पड़ के कंपैरिजन में, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड जो हुआ वो ग्रेटर हुआ इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरा हो सकता है जिसमें आपके लिए सबसे बढ़िया है कि पापा का थप्पड़ और मम्मी का थप्पड़ दोनों का थप्पड़ सेम फोर्स पर आपको लगा, तो आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे तो दोनों का बराबर, तो इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई दोनों बराबर हो गए। और तीसरा हो गया बचा हुआ कि इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो इस बार पापा का थप्पड़ कम तेज लगा, मम्मी का थप्पड़ ज्यादा तेज लगा। तो भाई, आपको पहले क्लियर हो गए इस तरह की बातें? तो हर केस में 3 कंडीशनें बनेंगी, तो मैं एक सिखा रहा हूं, 3 आपको करने होंगे, तो टोटल इस हिसाब से 12 डायग्राम बन गए। चलो, तो मैं तो तीनों को कंपैरेटिव व्यू के साथ ही बनाऊंगा,
क्योंकि मुझे सिखाना भी है। तो अब हम, आप भी चाहें पेज को अपना हॉरिजॉन्टल करके कंपैरेटिव व्यू में ही बना लो, तो थोड़ा सा उससे आपको इजी रहेगा, क्योंकि कंपैरिजन दिखता रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो पहले तीनों में आपको बनाना है ओरिजिनल डायग्राम, तीनों में। तो तीनों में ओरिजिनल डायग्राम का मतलब है कि तीनों में ही अपवर्ड सप्लाई, डाउनवर्ड डिमांड, और जहां ये इंटरसेक्ट करे वहां बन गया इक्विलिब्रियम, और वहां से आ गया ईपी और ईक्यू। तो तीनों में आपको ये एक इनिशियल डायग्राम बनाना है तीनों में। तो डिमांड सप्लाई ईपी ईक्यू, डिमांड सप्लाई ईपी ईक्यू, ये तो है इनिशियल डायग्राम। तो पहले आप इतना बना लो। चलो तो अब बस आप ध्यान से देख सकते हो, बाकी अगर आप चीते हो तो आप कर भी सकते हो। तो अब जो पहला केस है, मतलब उसमें मैं डिमांड को भी राइट शिफ्ट करूंगा, सप्लाई को भी राइट शिफ्ट करूंगा, लेकिन डिमांड को मैं ज्यादा राइट शिफ्ट करूंगा, सप्लाई को मैं कम राइट शिफ्ट करूंगा, बस इस बात का ध्यान रखना है, अपने आप हो जाएगा। तो जैसे मैं लाल कलर से बना देता हूं, तो अब डिमांड को मैंने ज्यादा राइट में थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं, तो देखो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो गया D1, और सप्लाई को भी राइट में ही शिफ्ट करूंगा, लेकिन सप्लाई को बहुत कम राइट में शिफ्ट करूंगा, तो सप्लाई देखो राइट में शिफ्ट हो गई S1। तो बस आप पहले ये बताओ कि आप सब बच्चे इसमें संतुष्ट हो, समझ गए सब बच्चे कि क्या है खेल, बस। तो अब आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि नया इक्विलिब्रियम कहाँ है, वो बस उसको मार्क कर लेते E-, बस। तो नए E- से आपको ऑटोमेटिकली नया EQ पता लग जाएगा, तो वो बढ़ गया, और नया EP पता लग जाएगा, वो भी बढ़ गया। तो अपना बादल तैयार हो गया। तो बादल क्या बन गया, EP बढ़ गया और EQ बढ़ गया, दोनों बढ़ गए। तो अब आप सब बच्चे देख लो कि भाई सब बच्चे बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, किसी को इसमें कोई दिक्कत डाउट तो नहीं है। तो आपको दोनों को राइट शिफ्ट करना है, पहले मैं बता देता हूँ एक बार। तो दोनों को राइट शिफ्ट करना है, डिमांड को ज़्यादा राइट शिफ्ट करना है, सप्लाई को कम राइट शिफ्ट करना है। तो अब मैं पहले तीसरा वाला बना देता हूँ, थर्ड वाला जो है। अब थर्ड वाले में भी मैं दोनों को राइट शिफ्ट करूंगा, लेकिन थर्ड वाले में देख लो भाई, थर्ड वाले में हम डिमांड को कम राइट शिफ्ट करेंगे, सप्लाई को ज्यादा राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आप थर्ड वाले पे फोकस कर सकते हो। देखो तो मैं डिमांड को भी राइट शिफ्ट कर देता हूं, डिमांड राइट में देखो शिफ्ट हो गया, लाल रंग वाला शिफ्ट है, और सप्लाई को भी राइट शिफ्ट कर देता हूं, लेकिन सप्लाई को ज्यादा राइट शिफ्ट करेंगे हम, सप्लाई को ज्यादा राइट शिफ्ट करेंगे S1। तो आपको अपने आप अपनी वो नई बिंदी नजर आ जाएगी, लाल रंग वाली इक्विलिब्रियम E-। तो वहां से आपको अपने आप पता लग जाएगा कि नया प्राइस, तो EP कम हो गया और EQ बढ़ गया। तो आपका बादल तैयार, आपका MCQ का आंसर तैयार, EP कम हो गया और EQ बढ़ गया, ठीक है भाई। चलो तो अब आप भी बना सकते हो, और थर्ड बीच वाला भी बना लेते हैं। तो बीच वाले में क्या खूबसूरती होगी, दोनों बराबर बढ़ेंगे, तो आप उसको बड़ी सतर्कता से बनाना। तो उसमें हम डिमांड को भी राइट शिफ्ट कर रहे हैं D1,
और सप्लाई को भी राइट शिफ्ट कर रहे हैं एस वन, लेकिन बिल्कुल बराबर। तो जितना डिमांड राइट शिफ्ट हुआ उतना ही सप्लाई भी राइट शिफ्ट हुआ। तो फिर जब आपको नई बिंदी मिलेगी इक्विलिब्रियम की, यानी लाल रंग वाली ई डैश, तो वहाँ से मज़ेदार बात ये होगी ई पी सेम ही रहेगा, सिर्फ ई क्यू बढ़ जाएगा। तो उसका बादल जो है वो लिख लेते हैं कि ई पी सेम और ई क्यू बढ़ गया, ठीक है। तो इस पूरे केस की, यानी कि इस पूरे केस के तीनों बातों की अगर मुझे एक ग्रैंड समरी बतानी हो तो वो क्या मैं बता सकता हूँ, वो मैं ये बता सकता हूँ कि ई क्यू विल डेफिनेटली इंक्रीज। मेरी बात समझ आई? कि मैं इस पूरे केस की या तीनों बातों को अगर मिला लूँ तो मैं एक ग्रैंड समरी ये कह सकता हूँ कि ई क्यू यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज, बट ई पी में राइज, ई पी में फॉल, ई पी में रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो क्लियर हो गई मेरी अंग्रेजी? तो ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि अच्छा लगे आपको भी बाद में। तो ई क्यू विल डेफिनेटली राइज कॉमा ई पी में राइज कॉमा फॉल और डू नॉट चेंज। ये ग्रैंड समरी बन गई, मतलब पूरे ही इस केस की, इसमें तीनों ही केस या तीनों बातें कवर हो गई। चलो तो अब मेरा काम तो ख़त्म, अब आपको काम पे लगाते हैं। तो अब आपको करना है क्या क्या, केस टू। केस टू में होगा जी डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसमें तीन केस बताओ क्या क्या होंगे। हाँ, तो आपको बनाने हैं चित्र और आपको बनाने हैं बादल। उसके बाद थर्ड टॉपिक, थर्ड टॉपिक क्या होगा, थर्ड टॉपिक होगा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसमें तीन केसेस क्या क्या होंगे, इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन, फिर बराबर, फिर लेस देन। तो ये तीन डायग्राम और तीन बादल बनाने हैं आपको। और चौथा केस क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई। तो इसमें तीन केस क्या होंगे, डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर बराबर और लेस देन। चलो तो बस फटाफट शुरू कर दो अपना कार्य। तो ये है बेसिकली साइमल्टेनियस चेंज। तो पहले एक बार सेकंड के बता दो, सेकंड का सबने बच्चों ने बना लिया, तो पहले का इफेक्ट क्या आ रहा है, ई पी घट रहा है, ई क्यू भी घट रहा है, ओके। फिर सेकंड का ई पी सेम और ई क्यू डिक्रीजेज, वेरी गुड। और तीसरे का ई पी बढ़ेगा और ई क्यू डिक्रीज, ठीक है। तो जिसने भी सेकंड केस के तीनों डायग्राम बनाए तो कृपया वो ये ध्यान रखें कि वो यही इफ़ेक्ट्स निकलने चाहिए, क्योंकि ये सही है। तो अब थर्ड भी बनाओ। तो थर्ड वाले में भी मुझे बताते रहो, पहले वाले में क्या बादल,
ईपी बढ़ रहा है और ईक्यू बढ़ रहा है, सही लग रहा है शक्ल से। दूसरे वाले में बिल्कुल सही, ईपी बढ़ रहा है और ईक्यू जो है वो सेम रहना चाहिए, वेरी गुड। और थर्ड वाले में ईपी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, और ईक्यू कम होना चाहिए, सही, वेरी गुड। तो थर्ड जिस जिसने भी बनाया अगर, तो उसमें इफेक्ट यही निकलने चाहिए, अगर ये निकल रहे इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका सही है। तो फोर्थ और बना लो बस। चलो तो फोर्थ भी आपने बनाया, तो फोर्थ का और लिखवा दो, इफेक्ट्स क्या आ रहा है फर्स्ट में, ईपी बढ़ रहा है, अच्छा ईपी घट रहा है और ईक्यू भी घट रहा है, ठीक है। फिर दूसरे में ईपी घट रहा है और ईक्यू सेम रहना चाहिए, सही। और तीसरे केस में ईपी घट रहा है और ईक्यू बढ़ रहा है, ये सही है बिल्कुल। तो चौथे केस का भी आप लिख लो आंसर, बाय चांस किसी का अगर नहीं भी बना या बना तो चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके यही इफेक्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब ठीक हो गया। चलो तो बस डन डना डन।